इसको हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके देखते हैं कि इसका कितना दम है और इसमें कैसा कैसा काम हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रिल को ले लेते हैं और इसको लगा देते हैं। दोस्तों ड्रिल एडोप्टर के साथ लग चुका है। अब देखिए आगे पीछे हो रहा है, जैसे घुमा रहे हैं तो ये आगे पीछे हो रहा है। इसका हैंडल जो है उसको भी लगा लेते हैं। हमको ब्लेड दिया गया था, एक तो हमारा जो मेटल के लिए है और दो तो जो दिया हुआ है वो वुड के लिए है। तो सबसे पहले हम मेटल वाला निकालेंगे। मेटल वाला निकाल के रखते हैं। बीट को लगाने के लिए आपको ये वाला जो लॉक है इसको घुमाना पड़ेगा, घुमा के आपको अंदर डाल देना होगा, अंदर डाल के लॉक को छोड़ देना होगा। अभी देखिए बीट जो है मेरा लग चुका है। तो चलिए हम मेटल को काट के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये करीब 2.5 mm का मेटल सीट है, तो इसको हम काट के आपको दिखा देंगे। देखिए दोस्तों ये मेटल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी काट के बहुत ही अच्छे से कटा है, आप देख सकते हैं। अभी हम एक पीवीसी पाइप लेंगे, उसको काट के आपको दिखा देते हैं। देखिए पीवीसी पाइप भी बहुत ही आसानी से काट दिया है। अभी इस बीट को हटा के हम वुड वाला बीट को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वुड में ये कैसा काम करता है। ये देखिए इसका मोटाई बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों जो भी चीज़ हम इससे काटे हैं इस आरी से, तो ये 1 मिनट के अंदर सबको काट दिया है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये हमेशा कंटिन्यू के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जो कंटिन्यू काम करता है उसके लिए ये सही नहीं है, और जो कंटिन्यू नहीं काम करता है, कभी कभार इसमें जैसे वुड को कटिंग करना हो तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर क्या होता है, ताकि इसको घूमने से ये आगे पीछे हो रहा है।
तो चलिए इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसका स्क्रू को हम अलग से रखते हैं ताकि कहीं खो ना जाए। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक तो पत्ती लगा हुआ है और ये स्लाइड बेयरिंग है, दोनों इधर उधर हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। और इसमें दो ठो बेयरिंग लगा हुआ है और इसके अंदर एक प्लास्टिक का गोल जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर एक पत्ती जैसा बना हुआ है। देखिए पत्ती ऐसे टेढ़ा तरफ करके बना हुआ है ताकि इसको हम घुमाएंगे तो ये पत्ती ऊपर और नीचे जाएगा। तो ये जो दोनों बूस के जैसा लगा हुआ है, इसके बीच में ये पत्ती रहता है और जैसे हम घुमाते हैं तो पत्ती आगे पीछे होता है, जैसे आगे पीछे होता है तो ये काम करता है। और जितना स्पीड से हम ड्रिल को घुमाते हैं उतना स्पीड से ये आगे पीछे होता है और कोई भी चीज़ को ये काट देता है। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि जितना ये स्पीड से घूमेगा ये हीट होगा और ये प्लास्टिक ख़राब होगा और काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको अभी हम लगा देते हैं। दोस्तों वीडियो के बीच में एडाप्टर जब काम कर रहा था तो जितना टाइम उसको काटने में लगा उतना ही दिया हुआ है, स्पीड को कम नहीं किया गया है ताकि आपको पता चले कि कितना में कितना टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।